छतरपुर पुलिस ने हत्याओं के दो मामलों का खुलासा किया है। पुलिस ने सिद्धवन पहाड़ी में मिले छात्र के अंधे कत्ले की गुत्थी सुलझा ली है। वहीं ओरछा थाना क्षेत्र में युवक की दो दिन पहले हुई हत्या का राज फाश कर दिया है। 20 दिन पहले मिले छात्र नरेंद्र का शव 40 फुट ऊंची पहाड़ी की गुफा में मिला था। जब पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू की तो पता चला गांव के ही दिलीप भदौरिया और बरुआ हरिशंकर के साथ बाइक पर नरेंद्र देखा गया था। इसी आधार पर पुलिस ने जब इन दोनों को हिरासत में लिया तो पूरा मामला उजागर हुआ। दिलीप भदौरिया ने बताया कि वह एक लड़की को पसंद करता था और उससे रोज फोन पर बात करता था, लेकिन नरेंद्र इन दोनों के बीच आ गया जिससे दिलीप को परेशानी होने लगी, जिसके बाद उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर नरेंद्र की हत्या का प्लान बनाया और गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और उसका शव गुफा में छुपाकर भाग गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज दो मामलों का खुलासा किया जा रहा है यहाँ पर। पहला तो कि एक अंधा कत्ल थाना अलीपुरा अंतर्गत पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें एक गुमशुदा बालक की बॉडी पहाड़ी के ऊपर गुफा में मिली थी। इस पूरे प्रकरण को कंटिन्यूस फॉलोअप करते हुए पीएम रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें कि हत्या स्पष्ट होने पर उसी गांव के दो आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है और इस तरह इस मैटर को पूरा खोला है। नारायणपुरा रोड पर युवक की दिनदहाड़े हुई हत्या का खुलासा पुलिस ने करते हुए बताया कि युवक आरोपी नाबालिग की बहन को फोन करके परेशान करता था। इसी बात को लेकर नाबालिग ने अपने दो दोस्तों की मदद से चाकू से गोद कर वकील खान की हत्या कर दी। घटना के बाद मृतक की कार मौके पर बरामद हुई थी। पुलिस ने नाबालिग सहित उसके दो दोस्तों आरिफ खान और अरबाज रहीम को गिरफ्तार कर लिया है। छतरपुर में परसों ओरछा रोड थाना अंतर्गत नटपुरवा में एक बॉडी मिली थी जिसको चाकू से मार के उसकी हत्या की गई थी। तो सीसीटीवी फुटेज प्लस अन्य विवेचना के बिंदुओं के आधार पर तीन आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक बाल अपचारी है जिसको किशोर न्यायालय प्रस्तुत किया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।